हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 5 मार्च 2020 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे कई सारे कोर्सेज सारी सब्जेक्ट्स के लिए, सारी स्टैंडर्ड बुक्स के लिए, एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। हाल ही में आपने भी न्यूज़ पढ़ी होगी और ये न्यूज़ कल जो है आपने देखी होगी कि यूनाइटेड नेशन का जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है। बेसिकली पिटीशन नहीं डाली, लेकिन एक तरीके से एमिकस क्यूरी बनने की कोशिश कर रहा है। अब एमिकस क्यूरी क्या होती है? देखो, मैं अगर सरकार पे केस करता हूँ तो ये जो है कैसे भी ऐसे नाम आएगा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जो भी केस कर रहा है। अब जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अगर यूएन की बॉडी सुप्रीम कोर्ट में अगर जा रही है, तो क्या ये केस ऐसे होगा कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन? नहीं, इसने कोई भी पिटीशन अभी जो है नहीं डाली। ऑलरेडी पिटीशन एक डाली गई है सी के खिलाफ, जो कि रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर है, उनके द्वारा डाली गई है। और उनका और यूनियन ऑफ इंडिया यानी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्सेस में अभी केस चल रहा है। दोनों इसकी पार्टी है इस केस की। ये कमीशन जो है ह्यूमन राइट्स का कमीशन, ये थर्ड पार्टी बनना चाहता है, और एमिकस क्यूरे का यही मतलब है। यानी वो आईएफएस जो है रिटायर्ड जो केस कर रहे हैं, जिन्होंने पिटीशन डाली है, उनको ये असिस्ट करेंगे, उनके साथ ये जाएंगे। बेसिकली इससे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट को एक्सपर्टाइज मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी मदद मिल जाएगी इंटरनेशनल लॉज में। तो यहाँ पर आर्टिकल में बात हो रही है कि क्या ये सही था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ अनडाउटली एन अनयूजुअल स्टेप। ऐसा कभी भी नहीं होता, ये बहुत ही अनयूजुअल स्टेप है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा होता है। और जैसा कि आशा की गई थी, गवर्नमेंट सीज इट एज अनवारंटेड इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट ने इसे अनवारंटेड इंटरफेरेंस बताया कि ये इंटरफेरेंस सही नहीं है, हम सोवेन हैं, इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। क्योंकि आज ये इंटरफेरेंस कर रहा है, कलने को और यूएन की बॉडीज इंटरफेरेंस करेगी, फिर एम्बेसीज इंटरफेरेंस करेगी। इट डज अपियर दैट द मूव इज अननेसेसरी एज द ग्लोबल ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव दैट हाई कमिश्नर मिसेल बेलेजरिया होप्स टू प्रेजेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी रेज बाय सम ऑफ हिज पिटिशनर देमसेल्व्स। देखो, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर और ह्यूमन राइट्स पे भी कई सारे सवाल अब तक उठ के आए हैं, और इस मूव को अननेसेसरी बताया जा रहा है और ऐसा अपियर होता दिख रहा है, क्योंकि ये लोग शायद ही जो है ग्लोबल ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करते हैं। इन पर कई सारे केसेस चल रहा है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि इजराइल के अगेंस्ट इन्होंने कुछ बोला था, और इसके तहत यूएसए ने जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन से विड्रॉ कर लिया था। आफ्टर ऑल मोस्ट ऑफ द 140 ओल्ड पिटिशंस आर्ग्यू दैट सीएए फेल्स टू एक्सटेंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल इमिग्रेंट्स इन द कंट्री। सीएए के खिलाफ 140 पिटिशंस हैं, सब की सब ये मोस्ट ऑफ देम ये आर्ग्यू करती हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सारी इमिग्रेंट्स को डाला जाए, केवल हिंदू और जितने भी हैं सबको नहीं डाला जाए, सबको डाला जाए, मुस्लिमों को क्यों छोड़ा जा रहा है सीएए के अंतर्गत? आपको पता होगा सीएए में क्या है। तो ये सारी पिटिशन्स ये कहती है। बट टू बी फेयर द हाई कमिश्नर इज नॉट सीकिंग टू बी पिटिशनर। ध्यान रखना, इसने पिटिशन नहीं डाली है, ये पिटिशनर नहीं बनना चाहता, ये केवल और केवल अपना एक्सपर्टाइज एज द प्रीमियर यूएन बॉडी, क्योंकि यूएन की एक प्रीमियर बॉडी है, तो अभी मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल दूंगा। तो ये कोर्ट को एक्सपर्टाइज देना चाहती है कि इंटरनेशनल लॉ क्या आता है, लॉ क्या होता है, और सरकार क्या इसका वॉयलेट कर रही है। और इस जो ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसकी जो चीफ है, उन्होंने इस सीएए की पॉजिटिव साइड को भी अप्रिशिएट किया है, नोटिंग इट्स पोटेंशियल टू रिड्रेस द इरेगुलर कंडीशन ऑफ सम माइग्रेंट्स थ्रू अ क्विकर सिटीजनशिप प्रोसेस। 11 साल की प्रक्रिया को 6 साल में जो हम कर रहे हैं सीए में लाके, तो उस चीज को यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है कि माइग्रेंट्स क्विकर सिटीजनशिप प्रोसेस के जरिए फटाफट सिटीजनशिप ले लोगे, लेकिन मुस्लिमों को छोड़ा जा रहा है, इस बात को ये नेगेटिव बना रही है। इट मस्ट बी नोटेड
that the court has relied on principles contained in international legal instruments in some of its judgments. ये नोट किया जाना चाहिए कि अब कुछ जजमेंट्स अब तक ऐसे भी आए हैं अलग अलग मसलों पे जिन पे कोर्ट ने इंटरनेशनल जो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लॉज हैं जो कन्वेंशंस हैं उनकी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा है. ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट्स को नकार देता है और इंटरनेशनल बॉडीज को सुनता भी नहीं है. लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न उठता है क्या यूएन हाई कमिश्नर को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि कोर्ट को असिस्ट करे. पिटिशनर तो वो है नहीं, असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना चाहता है तो असिस्टेंस भी दे कि नहीं दे, ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए. और इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो इंडिया ने साइन कर रखे हैं उनके प्रोविजंस को कोर्ट में ध्यान रख सकता है बिना इसके असिस्टेंस के, क्या ऐसा हो सकता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, असिस्टेंस ले कि नहीं ले. तो बेसिकली अगर हम दूसरा ऑप्शन अपनाते हैं तो इसमें जो एमिकस क्यूरे वाला केस है वो भी नहीं आएगा, उसमें इसका असिस्टेंस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. मोदी गवर्नमेंट अभी खुश नहीं होगी कि यूनाइटेड राइट्स की जो यूनाइटेड राइट बॉडी की जो ओवर रीच है भाई किसी देश के सोवरेन अफेयर्स में दखलंदाजी कर रही है. जबकि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक्सपर्ट पर्सन ने कह दिया था अभी हाल ही में कि इंडिया में जो भी हो रहा है उसके बारे में जो है अभी फैक्ट्स पता नहीं है कंट्रीज़ को, तो कमेंट करने से पहले 10 बार सोचें. लेकिन सरकार को ये भी समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से CAA का फ्लॉड स्ट्रक्चर का क्रिटिसिज्म हो रहा है और इसको जिस तरीके से एग्रेसिव मैनर में लिंक किया जा रहा है और जो सिचुएशन बन के आ रही है उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. द पॉलिटिकल अपोजिशन सेक्शंस ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी एकेडमिशियंस एंड कमेंटेटर्स. पॉलिटिकल अपोजिशन आपका लॉयर्स वगैरह एकेडमिशियंस जो आपके प्रोफेसर्स वगैरह जो कमेंटेटर्स हैं उन्होंने बहुत पुश दे के ये बात कही है कि आप अगर सिटीजनशिप प्रोसेस में अगर आप उसको फास्ट ट्रैक करना चाहते हो अच्छी बात, 11 से 6 साल करना चाहते हो अच्छी बात, लेकिन रिलीजन को एक फैक्टर अगर आप मान रहे हो तो इज अ वोलेटिव और सेक्युलर प्रिंसिपल्स को वोलेट कर रहा है. द गवर्नमेंट्स स्टाउट डिफेंस ऑफ द CAA इज दैट नो करंट इंडियन सिटीजन वुड बी अफेक्टेड. गवर्नमेंट बार बार ये कहती आई है, हमारे लीडर्स हर रैली में ये कहते हैं कि किसी भी भारतीय नागरिक को CAA से अफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1% भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये केवल और केवल जो दूसरी कंट्रीज हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश उनमें जो माइनॉरिटीज़ है जिनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और जहाँ पर इस्लाम एक स्टेट रिलीजन है उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. गवर्नमेंट को बर्डन झेलना पड़ेगा ऑफ प्रूविंग दैट द CAA डज नॉट कॉन्ट्राविन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि CAA कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. ये गवर्नमेंट को एक बर्डन और झेलना पड़ेगा कि इंटरनेशनल कन्वेंशन के भी खिलाफ है कि नहीं है. तो बेसिकली यहाँ पे यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स की जो चीफ है वो अपने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ह्यूमन राइट्स लॉज को पुश करके चल रही है, वो इनको इम्पोर्टेंस दे रही है. कोर्ट हो सकता है उनकी असिस्टेंस लेने से मना कर दे, बट देर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द सेंटर कैन नॉट इवेड इट्स ऑब्लिगेशन टू इनेक्ट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन. लेकिन कोर्ट इसके मना करने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश ये ना करे कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन लाया जाए और सारे इमिग्रेंट्स को इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाए और नॉन डेरोगेबल प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफलमेंट पॉलिसी पे जो है अबाइड किया जाए. कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल प्रोटेक्शन हो, सेकुलरिज्म को अपनाया जाए. तो सेंटर जो है हो सकता है कि इसको कह दे कि हमारे देश में दखलंदाजी है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस इसकी इम्पोर्टेंस हमको समझनी पड़ेगी. एडवांटेज बीबी, देखो इजराइल में नेतान्याहू जो हैं वो जीत गए हैं और क्लियर मेजोरिटी नहीं आई है उनकी. फॉर एग्जांपल उनको 36 सीट मिली है उनकी पार्टी को और उनके जो मेजर राइवल है जो पोजीशन उसको 33 मिली है. तो ये चीज़ ठीक है, जान ली, अच्छी बात है. कौन जीता UPSC के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. द सम एंड सब्सटेंस ऑफ अफगान डील, देखो अफगान डील के बारे में पिछले कई दिनों से न्यूज़पेपर में आ रहा है, आता रहेगा. तो जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए वही आपको पता होनी चाहिए, जो स्पेकुलेशंस हैं वो नहीं देखना चाहिए. तो डील क्या है, अगर मैं डील की बात करूँ तो इसको दोहा डील कहा जा रहा है. और इसके बारे में पूछ ले तो सबसे पहले तो आपको डील के बारे में मेंशन करना होगा कि इस डील में क्या क्या है. US जो है अपने ट्रूप्स को
135 दिन के अंदर अंदर 14,000 से 8,000 के करीब ले आ देगा। एग्जैक्ट डाटा याद रखना जरूरी नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ, 14 महीने में पूरे ट्रूप्स को बुला लेगा। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट कि तालिबान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में से जो है सेक्शन लिस्ट में से हटा देगा, यानी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्शन उस पर अब नहीं लगेगा। और 5,000 जो तालिबान प्रिजनर्स हैं और 1,000 जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस प्रिजनर्स हैं उनको रेस्पेक्टिवली अफगान और तालिबान कस्टडी से छोड़ा जाएगा। यानी तालिबान के जो प्रिजनर्स हैं जो अफगान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जा कर रखा है, जिनको कैद कर रखा है, उनको अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस छोड़ देगी। बदले में तालिबान ने जितने भी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को रखे हुए हैं वो उनको छोड़ देगी। एक और डील में बात थी कि तालिबान लीडर्स के ऊपर जो सेक्शन लगा हुआ था यूएस का उसको लिफ्ट कर देगी। और इंट्रा अफगान जो टॉक्स हैं वो मार्च 10 में शुरू हो जाएगा, यानी कि सरकार अफगान की और तालिबान दोनों के बीच में मार्च 10 से बातचीत शुरू हो जाएंगी। बाकी सब स्पेकुलेशन है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, तालिबान को क्या मिलेगा, यूएस को क्या मिलेगा, इंडिया को क्या इफेक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान ऐसा क्यों करना चाहता है, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा इसका, ये सब जो है मैं अब तक आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना। अच्छा, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, द डार्क टेल्स इन द आंध्र प्रदेश आईआईटी सक्सेस स्टोरी। न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे आप, इस बच्चे ने आईआईटी क्लियर किया, इस बच्चे ने आईआईटी क्लियर किया, ये कोचिंग संस्थान है, इधर भेजो उधर भेजो, ये बिल्कुल शांत वातावरण है और बिल्कुल जो है पढ़ाई में ध्यान रखता है। मैं कई बार देख रहा था पिछले दिनों से कि एक एडवर्टाइजमेंट था, एक कोचिंग सेंटर का था, बेसिकली उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया कि हम जो है दूर कहीं पहाड़ में ले जाके पढ़ाते हैं बच्चों को, वहाँ पे फ़ोन नहीं, कोई गैजेट नहीं, कुछ नहीं, शुद्ध हवा, देखो तो सही, शुद्ध हवा मिलती है और बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाता है, डिसिप्लिन होता है। तो घर वालों से बच्चों को कट ऑफ करके, आसपास की दुनिया से कट ऑफ करके अगर तुम पढ़ाई करवा रहे हो तो उस पढ़ाई का मतलब क्या है। शुरू करते हैं हमारा आज का आर्टिकल ये वाला इसी मोरल से कि आंध्र प्रदेश में आईआईटी की सक्सेस स्टोरी है। आईआईटी में जितने भी स्टूडेंट जाते हैं ना, मोस्टली आंध्र प्रदेश के जाते हैं। अब आप खुश होगे, बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर कर रहा है। और आप अब डिप डेप्थ में जाते जाओ मेरे साथ, आओ देखो, एग्जामिनेशन सीजन आ गया, 1.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में इंडिया में बैठेंगे और केवल आधे ही इसमें पास होंगे। उनमें से भी खुश वो होंगे कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लेंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश का सबसे टॉप पे नाम आता है, और ऐसा पैसा कमाएंगे आईआईटी में जाने के बाद जो उनकी फैमिलीज ने भी कभी नहीं सोचा होगा। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, भगवान इन सब बच्चों को कामयाबी दें। लेकिन इस ग्रैंड सक्सेस के पीछे एक अगली स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक स्टडी निकल के आई, रिसर्च हुई आंध्र प्रदेश में 2018-19 में कि क्या एजुकेशन सिस्टम आंध्र प्रदेश का चल रहा है, क्या सरकारी स्कूल्स इतनी बेहतरीन हो गई हैं, क्या छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स बेहतरीन हो गए हैं, क्या एजुकेशन को सीरियसली लिया जा रहा है। जब स्टडी की गई तो देखा गया द स्टेट ओव्स इट्स डिस्टिंक्शन इन प्रोड्यूसिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आईआईटी एंट्रेंस टू 2 मेजर चेन्स ऑफ कॉर्पोरेट स्कूल्स। आईआईटी में जाने वाले बच्चे आंध्र प्रदेश से जो लार्जेस्ट नंबर है उसकी वजह कॉर्पोरेट स्कूल्स हैं, वो आईआईटी के लिए बच्चों को तैयार कराते हैं। कॉर्पोरेट स्कूल्स एक तरह की कोचिंग हो गई। आपने पढ़ा होगा कि आजकल स्कूल के साथ साथ बच्चे कोचिंग भी जा रहे हैं, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th अलग से, और अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस वो भी जो हैं, बाकी तो आईआईटी में जा रहे हैं और जो नहीं जाते आईआईटी में वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं। कॉर्पोरेट स्कूल को यहाँ पे एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा रहा है कि कॉर्पोरेट स्कूल्स की वजह से मोस्टली बच्चे आंध्र प्रदेश में से आईआईटी में जा रहे हैं। अच्छी बात है। कौन सी स्कूल है आईएन के बारे में पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कॉर्पोरेट स्कूल्स में ऐसा क्या है। बेसिकली ये स्कूल जो है शुरू तो 11th और 12th क्लास से हुए थे, लेकिन अब पूरा होल स्कूल साइकिल ये कवर करते हैं सार। अब तो रेसिडेंशियल स्कूल्स बन गए, मतलब अब जो है बच्चा यहाँ पर रह के पढ़ाई करता है, स्टूडेंट की लर्निंग जो स्टेज है उसको इग्नोर कर देते हैं, सरिकुलम को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, मतलब सरिकुलम पूरा जो बनाया है सरकार ने उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। कैसे, देखो एक कॉर्पोरेट स्कूल के प्रिंसिपल से जब बात की तो उन्होंने कहा कि क्लास
सिक्स्थ से, क्लास सिक्स्थ से बच्चों की आईआईटी की पढ़ाइयाँ चालू करवा देती हैं उस स्कूल में। कॉपरेट स्कूल कुछ ही नहीं बल्कि उन स्कूल्स का नाम है जो एक तरीके से कोचिंग्स थी लेकिन अब रेसिडेंशियल स्कूल्स बन गई हैं और आईआईटी के लिए तैयारी कराती है। फिफ्थ क्लास से सिक्स क्लास के अगर बच्चे आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें वो स्कूल फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री पे फोकस करता था, मदर टंग, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जो आज आप पढ़ते हैं आईएएस के लिए, वो सब डिक्लाइन कर दी गई, वो सब जो है साइडलाइन कर दिया गया उनको। क्यों स्कूल अब कैसे करवाता है, देखो सिक्स क्लास में अगर कोई बच्चा है ना तो वो क्या करवाते हैं, पहले जो है उनको सिक्स क्लास का सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, फिर आईआईटी की कोचिंग फटाफट शुरू करवा देते हैं उसी साल के अंदर, और धीरे 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 करके 11, 12 का सिलेबस पढ़ाने लग जाते हैं क्लास सिक्स से ही, और हर साल 10% सिलेबस 11, 12 का कवर करवाते जाते हैं। इंटरव्यूज़ में देखा गया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो टीचर्स हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स इन स्कूल्स में फिजिकल और एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ नहीं करते, ना उनको कोई रेस्ट मिलता। तो दो चीज़ें यहाँ पे चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं, पहला तो ये कि इनको जो है इतना प्रेशर दिया जाता है कि 11th और 12th का सिलेबस पहले से ही करने को बोला जाता है, दूसरा इनको फिजिकल और एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती। दो पॉइंट याद रख ले चलना, मैं मेंस के लिए पॉइंट बताते जा रहा हूँ आपको। प्रेशर जो स्टूडेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा है, क्लासेस में डिवाइड है, लेवल्स में, आपने भी अपने स्कूल में देखा होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मैं तो कह रहा हमेशा बी और सी में ही रहा हूँ, ए में तो शायद एक बार ही गया था। तो इस तरीके से लेवल्स जो हैं बटे हुए हैं एबिलिटी के अनुसार, कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और उनको उस हिसाब से सेपरेटली पढ़ाया जाता है। सेक्शंस बनाना गलत नहीं है लेकिन उनको उस हिसाब से पढ़ाया जाता है, टॉप जो टीचर्स हैं उनको सेक्शन ए बढ़िया बढ़िया जो लेवल है उन पे पढ़वाया जाता, उन्हें पढ़ाया जाता है। हर महीने हर दिन एग्ज़ाम लगते हैं, एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद बच्चों को जो है लेवल पे री अलोट किया जाता है कि भैया आप ए में जाओ, आप बी में जाओ। कॉम्पिटिटिव एटमोसफेयर है, 9 घंटे तक पढ़ाया जाता है, छुट्टियाँ मिलती नहीं है, सुसाइड केसेस आ रहे हैं, और 20% स्टूडेंट्स को टॉप लेवल में रखा जाता है, प्रिंसिपल बता रहा था, और उन 20% जो बच्चे हैं उनको आईआईटी में एडमिशन मिलना ही होता है, 60% छाती टोक के वो ऐसा बोलता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, सिक्स क्लास या आईआईटी की प्रिपरेशन करवाने के बावजूद भी, टोटल स्टूडेंट जो इन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं 3-4% जो है आईआईटीज में जाते हैं, टोटल स्टूडेंट्स, सारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं। और आईआईटी में जाने प्रॉपर एजुकेशन के साथ, ये बहुत बड़ी दिक्कत, आईआईटी में जा रहे हो तो आपने कुछ सफलता हासिल कर ली लेकिन क्या आपको प्रॉपर एजुकेशन मिली। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे स्ट्रेस का है कि किस तरीके से उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती और लेवल्स जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट यहाँ पर रखा जाता है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत। अच्छा, एक और दिक्कत जो आप मेंस में लिख सकते हैं कि स्कूल में जो ये जो बच्चे हैं ऐसे स्कूल्स में, ये ग्रो नहीं हो पाते, एक्सप्लोर नहीं कर पाते, इमोशनल इंटेलिजेंस इनमें नहीं होते, स्पेशल टैलेंट से डेवलप नहीं कर पाते, राइटिंग का, पेंटिंग का, सिंगिंग का, क्रिएटिविटी इनमें नहीं आ पाती, खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं बना पाते। और चलो ठीक है, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनका आईआईटी में हो गया, बढ़िया पैसा वैसा कमा लेंगे, जिनका नहीं हुआ उनका क्या, उनके लिए उन्होंने भी इतना कंपटीशन झेला ही था, उन्होंने तो इतना डिस्क्रिमिनेशन झेला, उसके बावजूद भी उनका नहीं हुआ तो उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। स्कूल में उनको सपोर्ट मिला नहीं, जो कमज़ोर बच्चे होते थे बेस्ट टीचर टॉप स्टूडेंट्स को लगा दिए गए थे, स्टूडेंट जो है टॉप लेवल के थे उनको पैट्रोन कहा जाता था क्योंकि उनके माँ बाप ज़्यादा फीस पे करते थे, और इंजीनियरिंग जो और जो बट कॉलेज में जाने के उनके चांसेस काफ़ी कम थे लेकिन जो है उनके माँ बाप ज़्यादा पैसे देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट निकल के आ रहा है कि बच्चे जो हैं यूनिक आइडेंटिटी नहीं डेवलप कर पाते, इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पे गिर जाती है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट जो आप मेंस के आंसर में लिख सकते हैं वो है कि अपॉर्चुनिटीज़ खो जाती हैं कई, भाई ज़रूरी नहीं है हर बच्चे का तो नौकरी लगे, हर बच्चा आईआईटी में जाए, तो इस स्कूल्स में लालच की वजह से, पैसे की लालच की वजह से बच्चों की करियर अपॉर्चुनिटी खो दी जाती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम यह है एग्रेसिव कंपेन्स गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में टीचरों को लगाया जाता है इन कॉपरेट स्कूल्स के द्वारा, ये जो स्कूल्स हैं ना कॉपरेट स्कूल्स, ये अलग अलग स्कूलों में भेजती हैं और एक लिस्ट बनाती है अच्छे स्टूडेंट्स की, उनके पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करती है और कहती है कि आप हमारे स्कूल आओ,
एग्रेसिव कैंपेन इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक जो टीचर है उसको एक काम सौंपा जाता है और टारगेट दिए जाते हैं कि इतने स्टूडेंट्स आपको इकट्ठे करना ही है और इतनी फीस आपको लानी है, नहीं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। टीचर क्या कहता है बच्चों के माँ बाप के पास जाके, देखो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेस है, प्लेग्राउंड है, फायर सेफ्टी है, सैनिटेशन है, और मैक्सिमम फीस जो है वो बेसिकली ऐसे तो सरकार के द्वारा 4,000 ही कर सकते हो हर साल मैक्सिमम फीस, लेकिन कॉर्पोरेट स्कूल्स लाखों रुपए तक लेते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है हमारे एरिया में लाखों रुपए तक लेते हैं कॉर्पोरेट स्कूल्स, मतलब जो रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, जो प्राइवेट कोचिंग्स वगैरह जिनमें बच्चे रुकते हैं। तो फीस, ये एक अगला पॉइंट आ गया, और एग्रेसिव कैंपेन आपका एक पॉइंट था ही। तो आपको 6-7 पॉइंट यहाँ पे मिल गए अगर आपके ऊपर क्वेश्चन आता, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टीचर, एजुकेशन टीचर जो है, एजुकेटर्स पे भी जो है इंटरव्यू किया गया कि क्या वो ऐसा जानते हैं सरकारी स्कूल वाले या प्राइवेट स्कूल वाले जिनके स्टूडेंट्स को छीन के कॉर्पोरेट स्कूल्स में भेजा जा रहा है, क्या वो ये चीज़ें जानते हैं कि कॉर्पोरेट स्कूल्स इस तरीके से चल रहे हैं। तो उनसे जब ये बातें पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम अवेयर हैं कि कॉर्पोरेट स्कूल्स में ऐसी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, बच्चों को, बच्चे के माँ बाप को वो फूल करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, और ऐसे स्कूल्स को रेगुलेट करना जो है गवर्नमेंट की कैपेसिटी सिस्टम के कैपेसिटी के बाहर है। क्यों? ये आपका एक बॉडी का दूसरा पार्ट हो गया कि चैलेंजेस विद द रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्कूल्स। तो आपको तीन पॉइंट मैं बताऊंगा, तीन पॉइंट लिखाना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पहली बात तो ये, जब ये कॉर्पोरेट स्कूल्स शुरू हुई तो 11th और 12th के लिए शुरू हुई थी, तब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कम थे, सरकारी शिक्षण संस्थान इतने नहीं थे, तो सरकार को भी लगा कि हाँ ये होने चाहिए ताकि एजुकेशन में जो गैप आ रहा है वो ये भर सके। शुरू जो है ये ऐसे हुए थे। दूसरी बात, मैन पावर इनकी रेगुलेशन की डिफिशिएंट है। भाई रेगुलेट करें कैसे हैं? सरकारी टीचर स्कूल में पढ़ाए कि प्राइवेट स्कूल से कॉर्पोरेट स्कूल्स में जाके इंस्पेक्शन करें? अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करूं तो आज इंस्पेक्शन करने के लिए जो गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं उनमें जो सीनियर मोस्ट जो प्रिंसिपल होता है उनको वहाँ के रीजन के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको रेगुलेट करने का जिम्मा सौंपा जाता है, और उसको रीजनल इंस्पेक्शन ऑफिसर कहा जाता है। वो पढ़ाए भी, गवर्नमेंट कॉलेज भी संभाले, प्राइवेट स्कूल्स को भी देखे, क्योंकि रीजनल इंस्पेक्शन ऑफिसर है, मैन पावर नहीं है तो एक से ज़्यादा कॉलेज उसको दे दिए जाते हैं, ये भी करें। तो मैन पावर की कमी सबसे बड़ी दिक्कत है, और टाइम नहीं मिलने की वजह से प्राइवेट स्कूल्स को जो है इंस्पेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, क्यों नहीं होता भाई रेगुलेशन सरकार से? क्योंकि कॉर्पोरेट स्कूल मैनेजमेंट इतनी फीस वसूलता है, इतना पैसा है कि पॉलिटिकल लेवल पे इन्फ्लुएंस रखता है। भाई ये देखा गया कि इलेक्शन में भी ये फंडिंग करते हैं, कुछ लोग तो पॉलिटिकल करियर शुरू कर देते हैं इन स्कूल्स में। ऑफिशियल्स ने कहा कई बार कि इनको पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ता है अगर कॉर्पोरेट स्कूल्स में ये बेईमानी का आरोप लगाने की, इंस्पेक्शन करने की, फीस ज़्यादा रखने की, प्रॉपर फैसिलिटीज़ अगर चेक करने भी जाते हैं तो पॉलिटिकल प्रेशर आता है ऑफिशियल्स पे। तो जो रीजनल इंस्पेक्शन ऑफिसर जो मैंने आपको बताया ये कितना इंडिपेंडेंट से काम करता होगा आपको भी अंदाज़ा लग गया होगा। ये चीज़ साबित ऐसे होती है क्योंकि स्मॉल प्राइवेट स्कूल्स ने गवर्नमेंट से कंप्लेन किया कि ये जो कॉर्पोरेट जो स्कूल्स हैं ना इनको ज़्यादा फेवर करती है सरकार और हमको डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो बेसिकली एक यहाँ पे अफोर्ड भी नहीं किया गया सरकार के द्वारा कि कॉर्पोरेट स्कूल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो उसका प्रचार किया जाए, लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि बच्चों की क्षमता बिगड़ जाएंगी, बच्चा मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो तेज हो जाएगा लेकिन ज़िंदगी के कई आसार में पिछड़ जाएगा। कई चीज़ें होती हैं जो बच्चे को एक स्पेशल आइडेंटिटी देनी होती है, उसके एक अपनी क्रिएटिविटी होती है, रोबोट बनाना चाहते हैं बस ये बच्चों को। तो ये जिस तरीके से स्टेट का कोल्यूजन है प्रॉफिट मेकर के साथ, ये बेसिकली आईआईटी के जो टॉपर्स हैं, आईआईटी में जो बच्चे जा रहे हैं इनकी वजह से ये छुप जाते हैं इनके चेहरे, इनके नकाब। वरना आईआईटी में जो बच्चे जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आपको हर साल दिखता होगा ये बच्चा आईआईटी में, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, तो माँ बाप को दिखता नहीं है कि इनके पीछे की कहानी क्या है। ये हमारा आर्टिकल था, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। व्हाट केजरीवाल शुड हैव डन, दिल्ली में दंगा हुआ, जिम्मेदारी सरकार की, गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की भी और दिल्ली सरकार की भी,
केंद्र सरकार पर तो आरोप लगे ही हैं कि उन्होंने जो हमारे होम मिनिस्टर है और जो हमारी इंटेलिजेंस है वो पुलिस की वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। ऐसे बयानों के बावजूद भी कैसे दंगा होने दिया गया? जब ऐसे बयान आते हैं तो पुलिस को पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए कि दंगे होने की आशंका है, और ट्रंप आए थे तो इस चीज़ की संभावना और भी बढ़ जाती है। केजरीवाल को भी ब्लेम करना चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से काम किया, लैक ऑफ रिस्पॉन्स दिखा, उससे वॉयलेंस बढ़ी है। केजरीवाल जिस तरीके से यहाँ पे साइलेंस बनाए रखे, पहले तो जिस तरीके से दंगा हुआ शुरू में दो तीन जगह पे इन्होंने साइलेंस बनाए रखा, और फिर जो है इन्होंने बाद में ट्वीट वगैरह किए। अब आप बोलोगे केजरीवाल करता क्या, केजरीवाल कर क्या सकता है, उसके पास तो पुलिस ही नहीं है। भाई केजरीवाल के हाथों में पुलिस नहीं है, केजरीवाल के हाथों में जो है दिल्ली पुलिस कहाँ है। तो इसमें आर्टिकल में राइटर बता रहे हैं कि क्या कर सकते थे। जब ऐसा पता चल रहा था कि ऐसे बयान आ रहे हैं अपोजिशन पार्टी की तरफ से या फिर ऐसे पॉलिटिकल लीडर की तरफ से, तो केजरीवाल यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है अपने वॉलंटियर्स को, अपने MLAs को एक्टिवेट कर देते और कहते कि आप जो है चौकन्ने रहो। और जब कुछ जगहों पे जलने की भी जो बर्निंग की भी न्यूज़ आई तब भी वो चुप रहे, और अपनी सिक्योरिटी के साथ वो वहाँ पहुँच जाते। भाई वो चीफ मिनिस्टर हैं तो अपनी सिक्योरिटी के साथ उस जगह पहुँच जाते जहाँ वॉयलेंस होती। तो पुलिस अगर रिफ्यूज़ कर देती सुनने से, तो वहाँ पे मिनिस्टर, अब देखो पुलिस तो केजरीवाल के हाथों में है नहीं, तो यहाँ पे जो उनके मंत्री हैं, जो MLAs हैं, वो खुद अपने सिटीजन्स के ग्रुप बना लेते, और केजरीवाल को इतना सपोर्ट है दिल्ली में, तो यहाँ पे अगर इतना सपोर्ट है उनमें से अगर 1% लोग भी इनके साथ आ जाते और ग्रुप बना लेते कॉलोनियों को जहाँ पे वॉयलेंस हो रहे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वॉयलेंस रुक जाती। इन्होंने ये भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है चल एक स्पीच दे देते पब्लिक सपोर्ट में कि आप जो है दंगे नहीं कर सकते। महात्मा गांधी के मेमोरियल पे गए और वहाँ पे उन्होंने ये प्रार्थना करने लग गए। एक स्पीच दे देते कि सिटीजन्स को डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, तो सिटीजन को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो जरूरी है डेमोक्रेटिक राइट का, ये कह सकते थे। भाई इन्होंने चुनाव जीता तो जो लोग डर रहे थे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारे ऊपर जो है पुलिस इतना जो है वो करेगी और हमको जो ये सब झेलना पड़ेगा, अगर केजरीवाल भरोसा दिला देते कि पीसफुल करोगे, हिंसा नहीं करोगे, तो आपको कुछ नहीं होगा। CCTV जब कैमराज तोड़े जा रहे थे, जिनकी वीडियोज आ रही थी कि जो है CCTV कैमराज तोड़े जा रहे थे सबूत ताकि इकट्ठा ना हो, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उनको, लेकिन कहना चाहिए था कि गिल्टी को पनिश करना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए था जो मंदिर मस्जिद जिनको नुकसान पहुंचा है उनको रिबिल्ड करना चाहिए। उनको ये करना चाहिए था कि कॉलोनी में जो लोग वापस आए और नफरत ना फैले, ये सब करना चाहिए उनको। उन्होंने जो है कॉलोनी में जा जाके सर्वेस करने चाहिए थे और एक एक घर में जाके कहना चाहिए था कि ऐसा मत करो, शांति ज़रूरी है। हालांकि इन्होंने इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि केजरीवाल जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी बनना चाहती है, और ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनलिस्ट लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहती। इसको बोलते हैं अब स्टेटस को, इसको बोला जाए स्टेटस को, मतलब जो चल रहा चलने दो, तो स्टेटस कोइस्ट वो बनना जा रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, इन चीज़ को रोकना ज़रूरी है। पुलिस फोर्स उनके हाथों में नहीं होगी, लेकिन वो कह सकते थे कि इस पे जो है ज़रूर जांचें होंगी और कोशिशें कर सकते थे कि शांति जो है वो बनी रहे। ठीक है, तो ये सब कर सकते थे। हालांकि केजरीवाल सरकार ने अभी अपनी कमेटी गठित की है जिनमें उन्होंने जो है कुछ MLAs रखे हैं, और अब फेक न्यूज़ पे 3 साल की सजा करने का प्रावधान इन्होंने, ऐसे तो ये IPC में है पहले से, लेकिन इन्होंने कहा है कि फेक न्यूज़ पे अगर खबर मिलती है इनको तो उस व्यक्ति को जो ये शेयर कर रहा है उसको 3 साल की सजा होगी, और कोई भी व्यक्ति स्क्रीनशॉट लेके फेक न्यूज़ का भेज सकता है कि हम ये चीज़ शेयर हो रही है, और जो भेज रहा है वो वीडियो उसको सजा होगी। जो वीडियो भेजा ना जिसने किसी भी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति स्क्रीनशॉट ले सकता है और दूसरे व्यक्ति को सजा दिलवा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि सरकार कोशिश कर रही है कि अब ये दोबारा ना हो। केंद्र सरकार दंगों के लिए क्या करती है, कैसे रोके जाएंगे फेक न्यूज़ के लिए, देखना ज़रूरी है। कोर्ट इन द ब्यूरोक्रेटिक वेब, देखो बात ये हो रही है, असम में NRC हुए, 1.17 लाख पीपल ऐसे हैं जिनको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के द्वारा। हाई कोर्ट उनकी सुनता नहीं है, डॉक्यूमेंट्स गलत आ रहे हैं। एक वुमेन है, शादी के बाद जो वोटर आईडी बनाती है तो नाम का मिसमैच हो जाता है,
कुछ लोगों की स्पेलिंग गलत हो गई, उनको फॉरेनर डिक्लेयर किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे आ रही है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं, जिनमें डाटा है पूरा, केसेस हैं, तो ये केसेस और डाटा आपके काम का नहीं है। आपको आपको केवल और केवल ये याद रखना है कि NRC के प्रोसेस में और सिटीजनशिप के प्रोसेस में क्या क्या हर्डल्स आ रही हैं। तो एक तो डॉक्यूमेंट्स ढंग से नहीं हो रहे, वुमेन की दिक्कत आ रही है, गरीब जो लोग हैं जिनके फ्लड्स और ड्रॉट्स में डॉक्यूमेंट्स भेज जाते हैं वो दिक्कत आ रही है। वैसे भी देखो NRC पे और सिटीजनशिप पे अब प्रश्न आने की संभावना कम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्कस ये हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा सवाल इस पर उठ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे केसेस चल रहे हैं, तो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें UPSC पूछती है नहीं। तो आपको केवल और दंगों के बारे में तो ज़रूर, पुलिस रिफॉर्म्स, अब देखो दंगे हो रहे हैं, दिल्ली राइट्स, अब इसमें UPSC के परस्पेक्टिव से आप क्या न्यूज़ निकाल सकते हो, पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस में क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए, पुलिस दंगों को नहीं रोक पाई तो पुलिस में क्या क्या सुधार लाने चाहिए, और फेक न्यूज़ पे भी आ सकता है, फेक न्यूज़ को कैसे रोका जाए, तो कई चीज़ें जो आपसे पूछ सकते हैं। तो इन पे जो है आप टॉपिक निकाल निकाल के एज IAS ऑफिसर, कि आप IAS ऑफिसर होते तो आपको क्या जिम्मेदारी बनती, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।